कहीं क्यों रुक? नहीं क्यों रही कार? अरे सुनो अपने मालिक का आदेश। काटो बोला ना काटो। बालवीर ये तो मधुमक्खियों से क्या बातें कर रहे हो? और इनकी भाषा तुम्हें कैसे समझ आ रही है? मेहर नटखट परी ने मुझे जानवरों पक्षियों कीट पतंगों एवं इंसानों की कई सारी भाषाएं सिखाई थी। अभी मैं मधुमक्खियों की भाषा में उनको मित्रता का प्रस्ताव दे रहा हूँ। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। रानी मधुमक्खी गई क्यों रुक तुम? अरे काटो। अरे काटो बोला ना तुम्हें काटो। अरे काटो। अरे तुम्हारी भाषा नहीं समझ पाएंगे, इनको मैं समझाता हूँ। हाँ। पापा ठीक कहते हैं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज सीखनी चाहिए। सोच रहा है या समझ नहीं रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गब्बर सिंह जी सर, आर यू श्योर? जो जो बच्चे गायब हुए हैं उनके माँ बाप का कहना है कि उनके बच्चों को मोबाइल ने किडनैप किया। हाँ जी। और कुछ का तो ये कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से अपने बच्चों को मोबाइल के अंदर जाते हुए देखा। हाँ जी सर। हाँ जी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई मोबाइल के अंदर घुस जाए। मिस्टर महेश डागली। डागली सर, डागली जो भी, क्या आपका भी मानना है कि आपने अपने बच्चे को मोबाइल के अंदर जाते हुए देखा? नहीं सर। यस। थैंक यू। लेकिन सर मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ भाई। मैंने अपनी बच्ची को मोबाइल में जाते हुए नहीं देखा है, लेकिन बालवीर को जाते हुए देखा है। या तो पूरी दुनिया पागल है या फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। पूरी दुनिया कैसे पागल हो सकती है सर? हाँ वो तो ठीक है। क्या इसका मतलब कि मेरा दिमाग खराब है? ये तो खुद ही बोल रहा है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। हाँ वो पूछ रहा है। इंस्पेक्टर साहब आप चाय पानी लेंगे?
नहीं, ऐसे केस में चाय पानी कहाँ निकलता है? इंस्पेक्टर साहब, हम खाने वाले चाय पानी की बात नहीं कर रहे, हम पीने वाले चाय पानी की बात कर रहे हैं। जरूर लेंगे, मतलब सर लेंगे ना। आप लोग अंदर जाओ और चाय पानी बनाओ। हाँ हाँ। बालवीर, वो देखो क्या है। मैं वो मधुमक्खियाँ है। मधुमक्खिया तुम्हारे लिए शहद उठा के लाई है। इस शहद को खा के तुम्हारा पेट बिल्कुल भर जाएगा। वाह, ये कितना मीठा है। बालवीर, तुम भी खाओ ना। हाँ। बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा बचा के रखना, बाद में भूख लगे तो काम आएगा। बालवीर, ये इतना मीठा है कि जी कर रहा है कि पूरा खत्म कर दूं। ये मधुमक्खियाँ कितनी अच्छी है ना। थैंक यू माँ। ओ, इनको तो मेरी भाषा समझ नहीं आएगी। बालवीर, प्लीज मेरी तरफ से इन्हें थैंक यू बोल दो ना। ठीक है। परीलोक जाए और रानी परी को हमारे यहाँ कैद होने की सूचना दे। रानी परी? वाह बालवीर, मुझे रानी परी से मिलना है। तुम्हें हमारे पास भेजने वाली भी वही है ना? मुझे रानी परी से मिलना है, प्लीज मुझे मिलाओ ना। तुम्हें पता है मेरी दादी उनकी बहुत सारी कहानियाँ सुनाती है। बालवीर, तुम मुझे रानी परी से मिलवाओगे ना? हाँ, मैं जरूर मिलवाऊंगा। रानी परी सब बच्चों से बहुत प्यार करती है। रानी परी मेरी माँ जैसी है, मुझे पक्का यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेगी। लेकिन तुमने वो मार्बल मधुमक्खियों को क्यों दिया? निशानी के रूप में। उस कंचे को देखकर रानी परी जरूर समझ जाएगी कि वो मधुमक्खियां मेरी दोस्त है। मैं उन कंचों से परीलोक में खेला करता था। तुम कंचे से खेलते थे? हाँ, मैं बाकी सारे बच्चों की तरह पकड़ा पकड़ी, लुका छुपी, रंगने वाले रंग दे और बहुत सारे खेल खेलता था। एक दिन तो मैंने ये क्या भूतिया शक्ल बना रखी है? चीज भेजी थी आपने जो मधुमक्खियां बालवीर को काटने के लिए। काट लिया उन्होंने उल्टा आपके टोपा टोपा को। बेवकूफ हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो? वो समझती आप तो मुझे गजा बुद्धू नाकाम बिल्कुल अपनी तरह, पर है लग रहा आप मुझे कि शायद सोचती है आप सही, शायद हूं मैं गधा नाकाम बेवकूफ बेकार, पर
आगे। तबो तबो। नहीं परिभंकर, आज मत मानना। कर दिया आपके हिस्से का काम मधुमक्खियों ने मेरे गालों पर। चढ़ रहा है मुझे हल्का हल्का बुखार। नहीं, पूरी हुई रानी परी की शक्ति संचय की साधना अभी भी चली थी। पिछले साल 4 दिनों तक की वो साधना, इस बार पता नहीं चलेगी कितने दिनों तक। अरे ये अचानक यहाँ की रोशनी कम क्यों हो रही है? ऐसा तो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय होता है। ये काली छाया क्या है जो सूरज को ढक रही है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता, ये कुछ और ही है। हाँ, ये तो कुछ अजीब सा ही है, जैसे काली चादर जैसा। ये तो मधुमक्खियों का झुंड है। वो देखो सबसे आगे रानी मधुमक्खी, वो लाल रंग वाली। ये तो भयानक लोग की मधुमक्खियां हैं। भयानक लोग? ये यहां क्या कर रहे? जरूर ये हम सब पे हमला करने आएंगे, लेकिन आप सब चिंता मत करिए, हम अपनी शक्ति से इनको वापस भगा देंगे। हे रानी परी, शक्ति दे खरी। रुक जाओ विषधार परी। मधुमक्खियां बालवीर के हाथ का निशान बना रही है। इसका मतलब यह है कि यह हम पर हमला नहीं करना चाहती, बल्कि हमें कोई संदेश देना चाहती है। बालवीर का कंचा है, जरूर वो कोई संदेशा लाई है। मधुमक्खी हमें बताओ, जल्दी से बताओ, हमारा बालवीर कहाँ है, कैसा है? नहीं बालवीर, ये हमारी भाषा नहीं समझेगी, लेकिन मैं मधुमक्खियों की भाषा जानती हूँ, मैं बात करती हूँ। अब मोबाइल बनेगा मेरा हथियार, जिससे मैं बच्चों को यहां लाऊंगी और उन्हें बचाने के लिए बालवीर को भयानक लोक में आना ही पड़ेगा। बुलाओ अपने बालवीर को। नहीं, नहीं बुलाऊंगी।
बालवीर मुसीबत में। क्या? हाँ, भयंकर परी ने उसे भयानक लोक में कैद करके रखा है और बालवीर रानी परी की मदद चाहता है। अब हम क्या करेंगे? मधुमक्खियाँ, संदेश पहुंचाने के लिए शुक्रिया। देखा, हमने कहा था ना, हमारा बालवीर जरूर किसी मुसीबत में है। हमारा अंदेशा बिल्कुल सही था। हम तो पहले ही भयानक लोग जाना चाह रहे थे, पर आप सबने हमें रोक लिया। अब हम इसी वक्त भयानक लोग जाएंगे। बालवीर वहां भयंकर परी की कैद में है, हमें उसे छुड़ाना ही होगा इसी वक्त। रुकिए बाल परी, शायद आप भूल रही हैं कि हम परियों के लिए उस काल दिशा में जाना वर्जित है। हाँ बाल परी, बिना रानी परी के आदेश के काल दिशा में जाना वर्जित है। ये तो परीलोक के नियम को तोड़ने के समान हुआ ना। इस वक्त मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है और उसके लिए मैं कोई भी नियम तोड़ सकती हूँ। मैं किसी भी हाल में बालवीर तक जाकर ही रहूंगी। बालपरी, आप वहां अकेले नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। यदि रानी परी इस वक्त शक्ति संचय की साधना में व्यस्त नहीं होती तो वो भी वही करती जो आप कर रही हैं। मैं आपके साथ हूं। हाँ बालपरी, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ बालपरी, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ चलेंगे। अरे, हम तो सोच रहे थे कि एक दो परियां भयानक लोग जाएंगी तो भयंकर परी आसानी से उन पर काबू पा लेंगे, पर ये तो भेड़ चाल की तरह सारी की सारी ही जाने को तैयार हो गई हैं। परियों, जल्दबाजी में आप लोग कोई भी गलत फैसला मत लीजिए। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। और वैसे भी अभी आप लोगों के पास रानी परी की शक्तियां नहीं है और उन शक्तियों के बिना आप भयंकर परी को कभी नहीं हरा सकते। वह क्या अगर है रानी परी शक्ति संचय की साधना में व्यस्त, लाकर तो दे ही सकता मैं उनका राजन आप सब परियों के लिए। डूबा डूबा, बिना रानी परी के आदेश के उनका राज दंड छूना एक बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें इसका भयंकर दंड मिलेगा। नहीं नहीं, अगर है पता चलता रानी परी को कि है लिया मैंने राजदंड उनका बालवीर की सुरक्षा के लिए, तो नहीं देगी मुझे दंड, देगी मुझे ढेर सारा प्यार, देगी मुझे शाबाशी। हाँ, मैं अभी लेके आया।